हेलो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास थर्ड हिंदी मीडियम। आज हम पर्सनालिटी तीन के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी अंकों के साथ जोड़ एवं घटाव। देखो, नंबर एक हिंदी अंकों के साथ जोड़ हुए घटाओ। देखो, पहले क्वेश्चन इसका चार 34 फिर 7 और 3 प्लस करोगे। देखो, ये 4 है और ये 3 है, तो जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 7। तो आप यहां लिखना है 7। इसी प्रकार से स्टूडेंट, ये देखो 3 और 7 है, कितने हो जाएंगे? 10। तो आप इसको क्या लिखोगे? 10। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में आठ देखो, 8 और 2 10 का 0 आंसर भाई। 8 और 3 11 और 1 12 ये था जोड़ हमारा, हमने जोड़ा। इसी प्रकार से स्टूडेंट, इसका तीसरा पॉइंट देखो। नाइन 9 और 0 7 और 8 यहां पे 8 को ऐसे लिख दो, देखो ऐसे कटो 8 हो जाए, तो 8 के 8 9 और 7 16 तीसरा सवाल घटाओ करने। आपको घटाओ में देखो 0 में से 8 के तो 2 यहां बचे 8। 8 में से 7 घटाओगे तो 1। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, इसका चौथा पॉइंट देखो। चौथे पॉइंट में इसी प्रकार से स्टूडेंट, इसका 5 नंबर भी देखो प्लस करना है। 3 7 9 और 2 जोड़ोगे तो 7 और 2 8 9 9 3 और 9 10 11 12। इसी प्रकार से स्टूडेंट, इसका पॉइंट नंबर 6 है, उसको देखो। 66 माइनस 23 6 में से 3 गए 3, 6 में से 2 गए
चार काट दीजिए। तो इसी प्रकार से इसका पॉइंट नंबर सात वाला क्वेश्चन देखो, पंद्रह और पैंतीस प्लस करोगे पांच पांच दस का जीरो अड़सठ पाइए, दो और तीन देखो एक अड़सल और एक अड़सल, एक और एक दो, दो और तीन पांच। तो समझाइए सात नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका आठ नंबर पॉइंट देखो, देखो सत्तर और उनचालीस स्प्रेड करोगे वन और यहां बचे छह, छह में से तीन गए तीन। अब हम चलते हैं आगे इसका नाइन नंबर क्वेश्चन देखो। नाइन नंबर क्वेश्चन में अब माइनस करते हैं तिहत्तर निन्यानवे में से, नौ में छह गए छह, नौ में से सात गए दो, इसी प्रकार से दस नंबर सवाल सैतीस और तीन और आठ ग्यारह जोड़ दोगे। इसी प्रकार से इसका इलेवन नंबर क्वेश्चन देखो, एटी माइनस एट तो क्या बचाएगा टू और यहां हो गया सेवन, सेवेंटी टू। इसी प्रकार से इसका ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखो, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में नाइन प्लस नाइन प्लस नाइनटीन कितने हो जाते हैं, नाइन और नाइनटीन ट्वेंटी फाइव, नाइनटी देखो ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट या तो एट को आप ऐसे लिखो या ऐसे करके ऐसे कर दो। इसी प्रकार से थर्टी में एट प्लस ट्वेंटी इक्वल ट्वेंटी एट। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो, सेवन प्लस थर्टी सेवन, सेवन और थर्टी सेवन कितना हो गया फोर्टी फोर। तो आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करने के, चाहे तो आप ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करो या जैसे मैंने किया उसी प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड घटाओ, जो आपको सामान्य विधि से करते हैं आप सभी को इक्वेशन हल कर सकते हो। नंबर दो घटाइए,
देखो नंबर एक 88 माइनस 73, 8 में से 3 सबट्रैक्ट करोगे, 8 में से 3 घटाओगे 5, 8 में 7 गया 1। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन 90 और 73, 0 में से 3 ही जाते हैं, असली था यहां से 10 हो गए, 10 में 7 गए 3 गए 7, यहां 8 में 7 गया 1। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है इसका, देखो 15 माइनस 04, 5 में से 4 गया 1 1। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो 73 माइनस 52, 3 में से 2 काटोगे 1, 7 में से 5 काटोगे 2, 30 माइनस 27। अब देखो 0 में से 7 नहीं जाते तो आंसर नहीं है, इधर से तो 10, यहां से 2, 10 में 7 गए 3, 2 में से 2 गए 0। उसके बाद क्या करोगे, देखो 37 और 0 2, 7 में से 9 नहीं जाते हैं, 17 यहां से 2, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 0 गए 2। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। अब आप इसका आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 30 माइनस 0 लो, 0 में से 2 आंसर लेंगे, यहां 2 बचे 10, 10 में से 9 गए 1, 2 में से 0 गया 2। आठ 37 0 8, अब देखो 8 में 7 में 7 नहीं जाते फिर से आंसर ले, 17 17 में 7 गए 9, यहां बचे 2, 2 में 0 गया 2। तो इसी प्रकार से ये हम सॉल्व कर सकते थे इसका 9 10 और 11 क्वेश्चन भी। आगे देखो आप स्टूडेंट्स, इलेवन नंबर क्वेश्चन में 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 93 माइनस 77 आप सबट्रैक्ट खुद करोगे इसका। इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन है 50 और 45, ये भी आप खुद करोगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 32 माइनस 17, इन क्वेश्चनों को आप सब सॉल्व करें। अब आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्रिकेट मैच में रमन ने 85 रन बनाए, शतक 100 पूरा करने के लिए रमन को कितने रन चाहिए। अब देखो घटाव हो जाएगा ना, तो रमन को कुल रन कितने बनाने हैं, 100। तीन नंबर सवाल, रमन को कुल रन बनाने बराबर 100, रमन ने रन बनाए 85, तो बता दोगे रन चाहिए या शेष रन 10, 0 में से 5 है असली 10 में से 5 गए 5, यहां से 9 में से 8 गया 1, 15 रन। इसी प्रकार से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 1 टोकरी में 55 फल है, 25 फल बांट दिए, बताओ टोकरी में कितने फल है, तो घटाओ होगा ना,
पहले बराबर पिचपन बांटे गए फल में फल बराबर 25 शेष बचे फल शेष बचे फल 0 3 30 फल शेष बचे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट आपकी ये प्रश्नावली 3 है ये कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको अच्छी तरह से हेड करें और अपनी रिटर्न कॉपी में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।